जी बदलाव जी जी बदलाव है बिल्कुल। क्या लग रहा बदलाव है? हाँ बढ़ता है बदलाव। अखिलेश यादव। अच्छा क्या लग रहा बदलाव है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश 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 अखिलेश। ये गाना सुनिए आप, गाना क्या बोल रहा है? बस वही है अखिलेश। साथी हैं फरीद कुरैशी, हम लोग और भी चार पांच सात लोग पूरा हुजूम लेके गए थे हम लोग भी अखिलेश यादव जी को स्वागत करने देखने। तो यहाँ पे नारा लग रहा था पवन पांडे जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माजिद खान जिंदाबाद और फरीद कुरैशी जिंदाबाद। लेकिन वो इतना बौखला गए कि माजिद खान जिंदाबाद की जहाँ पे उनको पाकिस्तान जिंदाबाद सुनाई दे रहा है और उस वीडियो को उन्होंने वायरल कर दिया। चूँकि हम लोगों ने इसकी FIR की और उस पर सच्चाई जो थी प्रशासन ने सामने उजागर किया, दो चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो इस तरीके से भाजपा पगला गई है, यहाँ के विरोधी एकदम पगला गए हैं जनसैलाब देखकर। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। ये के क्या लग रहा है कि किस तरह का माहौल है अयोध्या में? अयोध्या की जनता ने तय कर लिया है कि अब उसको बदलाव चाहिए। अच्छा, क्यों? किस तरह का बदलाव सोच रहे हैं? क्योंकि बाबा जी ने जो ये राशन 5 किलो जो दे रहे हैं, ये 5 किलो के बदले 5 क्विंटल राशन अपनी छुट्टा जानवरों के जरिए चरवा भी ले रहे हैं, इसलिए जनता इनके कामों से त्रस्त आ चुकी है। अच्छा, अयोध्या क्या सोच रहा है? क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और अयोध्या को लेकर बाबा योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कई सारे सवाल है, तो क्या सोच रहा है अयोध्या? राम मंदिर का तो हम लोग स्वागत करते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बाकी रही बात योगी आदित्यनाथ जी की, तो वो जब भी हमारी अयोध्या आए, लगभग 40 बार के समथिंग आए हैं और हर बार 400 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए की बात करके गए, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि उन्होंने वो 400 करोड़ 500 करोड़ दिया किसको और लगा कहाँ। अच्छा, तो पूरी तरीके से वो फ्लॉप है यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे 2017 के विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभा पर भाजपा जीतने में कामयाब रही, तो इस बार ऐसा क्या जादू हो रहा है कि आप लोग जीत रहे हैं, यानी सपा का मजबूती किला बन रहा है? देखिए, ये हम लोग इस तरीके से नहीं बोलेंगे, सीधी बात तो ये है कि जनता यहाँ की परिवर्तन चाहती है क्योंकि वो थक चुकी है इनके झूठ से और इनकी नफरत से। जनता को अब रोजी रोजगार से मतलब है, आवाम को, और ये रोजी रोजगार देने के नाम पे फ्लॉप हैं। आप खुद भी इनका डेटा चेक कर सकते हैं। ये जो दिल्ली और गाजियाबाद में 5 लाख रोजगार के जो पोस्टर्स लगे पड़े हैं, उनकी क्या सच्चाई? 5 लाख तो कम बताया है मेरे हिसाब से। तो अभी प्रियंका जी का अभी दो दिन कल का शायद इंटरव्यू है, वो तो और कई लाख की बता रहे हैं कि ये पद खाली पड़ा है हमारे उत्तर प्रदेश में। 5 लाख और 70 लाख कम से कम पेंडिंग पड़ा है हमारे यहाँ, जो पद खाली पड़ा है उत्तर प्रदेश में, तो उसको क्यों नहीं वो पूरा भरते हैं? उत्तर प्रदेश में यो कानपुर में अमित शाह ने ये कहा कि 12वीं के बाद इंटर कीजिएगा तो आपको लैपटॉप मिलेगा, तो ऐसा कोई व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल में कि 12वीं के बाद इंटर कर लिया जाए? देखिए, ऐसा है, अभी एक साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, ये लोग एक अनमोल रत्न हैं। अच्छा। ये इन लोगों को हम लोग ऐसे मनोरंजन देखते हैं क्योंकि इनके पास कोई काम तो है नहीं, तो मनोरंजन ही सही। वैसे तो न्यूज़ हम लोगों ने देखना बंद कर दिया था, तो अभी इन्हीं की वजह से न्यूज़ में थोड़ा आनंद आ जाता है। अच्छा, जी तो आजकल फिल्में छोड़कर लोग न्यूज़ देख रहे हैं। हाँ, अभी इन लोग ये लोग मनोरंजन कर रहे हैं, तो मनोरंजन किसको नहीं अच्छा लगता है। कपिल शर्मा उसी तरीके से हम लोग इनको भी इंजॉय ही करते हैं, खूब इंजॉय। हाँ, खूब दिल लगा के इंजॉय करते हैं सारे लोग। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है, किसकी? अरे किसकी ला रहे सरकार? समाज, हम लोग समाजवादी। समाजवादी किसकी सरकार? समाजवादी। क्या ला रहे? साइकिल 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 ला रहे हैं। क्या, किनको ला रहे हैं? साइकिल साइकिल ला रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, कौन आ रहा है इस बार? ये तो कंफर्म है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। अखिलेश यादव आ रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के यूपी में फिर से भाजपा सरकार और फिर से 300 के पास। हाँ, योगी की नहीं है, अखिलेश यादव आ रहे हैं, ये सब जान रहे थे। अभी बाबा 2 दिन अयोध्या में रुके हैं, नहीं रुकते नहीं। और बाबा मंदिर में भी रुक सकते हैं? नहीं, मंदिर में नहीं रुके थे, ये अयोध्या धर्मशाला है, वहाँ रुके थे। अच्छा जी, क्या लग रहा है कल जो भीड़ अखिलेश यादव की देखने को मिली, वो भीड़ किस तरह से? वो हाँ, ये कहना चाहता हूँ, देखिए कल हमारे एक उत्तर प्रदेश का भविष्य श्री अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ अयोध्या में। अच्छा। और इतना उमड़ कर जन सैलाब सामने आया कि विरोधी इतना ज़्यादा उसको देख के बौखला गए कि हमारे ही यहाँ से हमारे साथी हैं फरीद कुरैशी, हम लोग और भी चार पांच सात लोग पूरा हुजूम लेके गए थे हम लोग भी अखिलेश यादव जी को स्वागत करने देखने। तो यहाँ पे नारा लग रहा था पवन पांडे जिंदाबाद,
समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माजिद खान जिंदाबाद और फरीद कुरैसी जिंदाबाद। लेकिन वो इतना बौखला गए कि माजिद खान जिंदाबाद की जहाँ पे उनको पाकिस्तान जिंदाबाद सुनाई दे रहा है और उस वीडियो को उन्होंने वायरल कर दिया। चूँकि हम लोगों ने इसकी FIR की और उस पर सच्चाई जो थी प्रशासन ने सामने उजागर किया, दो चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो इस तरीके से भाजपा पगला गई है, यहाँ के विरोधी एकदम पगला गए हैं जनसैलाब देखकर। अच्छा, तो जनसैलाब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेठी में दौरा कर रहे थे तो कुर्सियाँ खाली थी और वे व्यक्ति प्रधानमंत्री के सामने खूब मतलब के खर्राटे के साथ नींद ले रहा था, तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये जो जनसैलाब अखिलेश के साथ है वो वोट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं? 100% वोट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी में भी बहुत भीड़ है। नहीं, हम उन पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो सामने दिख रहा है भविष्य वो अखिलेश यादव जी में ही। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे कि अयोध्या राम की नगरी है, 2019 से लगातार यहां पर सियासत का एक अलग माहौल है, तो एक नारा चल रहा है भाजपा का, उस नारा में ये कहा जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो इसको किस तरह से देखिए? ये नारा पूरी तरीके से निराधार है, कहीं नहीं गए थे राम जो ये उनको लाएंगे। अच्छा, वो कल भी यहीं थे, आज भी हैं और आने वाले कल में भी राम जी यहीं रहेंगे, ये लोगों का झूठा नारा है। अच्छा, तो भगवान जी भाजपा को लाए या भाजपा ने भगवान को लाए, किस तरह? क्या औकात इंसान की, क्या औकात कि वो भगवान को लेके आए? भगवान ही पूरी सृष्टि को लाए हैं, हमें और आपको भी लेके आए हैं, तो ये लोग तो सिर्फ भ्रम फैलाने काम कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने कहा कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 2 जो है फ्री सिलेंडर देंगे साल के, तो इस पर लोग जो है कह रहे हैं कि अखिलेश यादव 17 में क्यों नहीं दिया? अब योगी जी ने भी कह दिया कि हम दिवाली में और होली में देंगे, ईद को भुला दिया उन्होंने, तो किस तरह से देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का क्या रोल प्ले कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, जैसे कल आए थे अखिलेश यादव जी तो उन्होंने कल भी बोला कि अगर मैं यहाँ प्रदेश में मेरी सरकार बनती है तो मैं अयोध्या नगर निगम को टैक्स फ्री कर दूंगा। अच्छा। एक बात, दूसरी चीज उन्होंने इसलिए बोला है 300 यूनिट बिजली फ्री क्योंकि बाबा जी ने बहुत से प्रोजेक्ट को बंद कर रखा हुआ है। अच्छा। बिजली उपकरण के जो थे, कहा ना कि गोरखपुर में बिजली नहीं आती है, तो क्यों नहीं आती है? तो बाबा जी से सवाल करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता तो उनके पास थी। नहीं, वो कह रहे कि अखिलेश के कार्यकाल में बिजली नहीं आती, उसमें भी अखिलेश जी ने कहा था कि बाबा जी को अगर शक हो तो तार पकड़ के देख लें, तो बाबा जी को तार पकड़ के देख लेना चाहिए था बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। सीधी बात, उसमें तो उनके पास तो ऑप्शन था, वो चाहते पकड़ लेते, अगर जिंदा बच जाते तो नहीं आ रही है, और अगर भगवान न करे वो स्वर्गवास हो जाती है तो पता चल जाता आ रही है, तो फिर देखा जाता क्या होता फिर। अच्छा, 403 में कितना सीट आप ला रहे हैं? क्योंकि लोगों ने, अखिलेश यादव ने कहा कि हम चौथे चरण में सरकार का निर्माण कर रहे हैं। 300+। अच्छा, 300+। अच्छा, 300+ जी, कैसे संभव है कि 300+? क्योंकि ये पूरा पश्चिम, योगी आदित्यनाथ भाजपा सरकार हार चुकी है। अच्छा। अब बचा मध्य और अब पूर्वांचल की तरफ आप चल रहे हैं। अच्छा। तो वो जो लहर चली है ना, वो ये पूर्वांचल तक जाएगी। 300+ सीट समाजवादी पार्टी पा रही है। ठीक है, एक राउंड आखिरी करेंगे, फिर दूसरा सेशन शुरू करेंगे। एक राउंड आखिरी करके लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या मत है, यहाँ पर बहुत भीड़ लगी पड़ी है, किनको ला रहे हैं? ये तो हमारा दिल जानता है हम किसको ला रहे हैं। इनकलाब आज भी और कल भी रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस सीने में बहुत दम है, अभी भी माम लड़ सकते हैं। अच्छा। जी, शादी से आ रहे हैं? जी जी। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार अखिलेश यादव कहाँ पर आ रहे हैं? हमारे दिल में आ रहे हैं। तो बैलेट भी दीजिएगा, हम नहीं बताएंगे, जैसे नेता नहीं बताते हम भी नहीं बताएंगे। ठीक है, बदलाव है जी? बदलाव, जी जी, बदलाव है बिल्कुल। क्या लग रहा है, बदलाव है? हाँ, बढ़ता है अखिलेश यादव। अच्छा, क्या लग रहा, बदलाव है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव, अखिलेश, अखिलेश यादव, अखिलेश, 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 ये गाना सुनिए आप, गाना क्या बोल रहा है, बस वही है। अखिलेश, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।